हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में भुट्टे हर घर में आते हैं। कई तरह की रेसिपी हम इससे बनाते हैं, तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल मकाई दम अंगारा की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस लगती है, स्पाइसी फ्लेवर के साथ साथ स्मोकी फ्लेवर के साथ बहुत ही आसान इसे बनाना है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा तो अब हम इसमें कुछ गर्म मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, सभी को कुछ देर तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कली, इसे भी कुछ देर भूनेंगे, तो हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली काट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हरे धनिए के सॉफ्ट डंठल डालेंगे, 10 से 12 काजू। अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो नमक हम बाद में भी डालेंगे, इसलिए नमक हमें कम डालना है। 2 से 3 मिनट प्याज को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली कटे हुए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। 3 से 4 मिनट बाद इसे चेक करेंगे तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची को निकाल देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पीसते समय हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पेस्ट हमने बना लिया है, तो अब हम इसे अलग रखेंगे। अब हम लेंगे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और आप इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डालें। तो अभी मेरे पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं था, तो मैंने उसे स्किप किया है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर अलग रखेंगे। अब हम पैन में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। इसे आप घी में या आधा घी और आधे बटर में भी बना सकते हैं, पर हम बटर बाद में डालेंगे। तो तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को कुछ देर तक तड़कने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज की क्वांटिटी कम है, तो हम प्याज को लगातार चलाते रहेंगे। तो प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा, तो अब हम इसमें ड्राई मसालों का घोल डालेंगे जो हमने बनाकर रखा था। लो फ्लेम पर मसालों को 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसमें प्याज और टमाटर वाला पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, 1/2 इंच अदरक जिसे मैंने लंबा और पतला पतला काटा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें 2 कप कॉर्न डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक हमने पहले भी डाला है, तो नमक हम कम डालेंगे। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। बीच में हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। 10 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का टमाटर। तो टमाटर के बीज को हटाकर हमने पतला पतला काटा है। 1 छोटे साइज़ का शिमला मिर्च, पतला और लंबा कटा हुआ, इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप गर्म पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसमें 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर की जगह आप इसमें 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। अब हम एक बड़े प्याज का पत्ता लेंगे, इसके ऊपर एक जला हुआ कोयला रखेंगे और 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे और इसे तुरंत ढक देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे।
तीन से चार मिनट बाद कोयले को और पत्ते को निकाल देंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है और बहुत ही डिलीशियस लगती है, तो इसे अब हम एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे। एक चीज़ क्यूब को ऊपर से ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो ग्रेटेड पनीर से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। इसे आप गर्मा गर्म पराठे या चपाती किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।